तो आज हम जा रहे हैं सुबह सुबह मंदिर, तो देख सकते हैं। और ये है हमारी न्यू कार, तो इसकी पूजा करने के लिए हम अभी मंदिर जा रहे हैं फौजी साहब। और तो गाइज हम जा रहे हैं मंदिर में, चार धाम मंदिर है यही नदी की, तो वहाँ पे हम जा रहे हैं गाड़ी की पूजा कराने के लिए। तो देख सकते हैं यहाँ का व्यू, ये है हाईवे, तो यहाँ से हम जा रहे हैं अभी। तो गाइज हम पहुँच गए हैं मंदिर में, ये है चार धाम मंदिर यहाँ का। तो देखिए यहाँ पे सभी देवी देवता हैं। हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज कैसे हैं आप सभी लोग, मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम जा रहे हैं सुबह सुबह मंदिर, तो देख सकते हैं। और ये है हमारी न्यू कार, तो इसकी पूजा करने के लिए हम अभी मंदिर जा रहे हैं फौजी साहब और मैं, और पीछे बैठे हैं मम्मी जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो कैसा लग रहा है फिर नई कार चलाते हुए? बहुत अच्छा फील हो रहा है। अच्छा फील हो रहा है जी। मंदिर है यही नदी की, तो वहाँ पे हम जा रहे हैं गाड़ी की पूजा कराने के लिए। तो देख सकते हैं यहाँ का व्यू, ये है हाईवे, तो यहाँ से हम जा रहे हैं अभी। देख सकते हैं यहाँ पे है चार धाम मंदिर, तो यहीं पे हम आए हुए हैं अभी। जय हो। तो गाइज हम पहुंच गए हैं मंदिर में, ये है चार धाम मंदिर यहाँ का। तो देखिए यहाँ पे सभी देवी देवता हैं। यहाँ पर है भैरव मंदिर, तो देख सकते हैं आप, यहाँ पर बहुत अच्छी मूर्ति आपको दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर नंदी महाराज हैं, तो यहाँ पे हमने जल उग्र जो भी है वो चढ़ाया था। अंदर शिवालय है, तो यहाँ पे सभी देवी देवता निवास करते हैं, कभी यहाँ दर्शन करने आओ। तो यहाँ पर हमने जल चढ़ाया, और यहाँ पर है गरुड़देव, और यहाँ पर भी हमने पूजा की, अंदर सभी मूर्तियाँ हैं। तो यहाँ पे आप आ सकते हैं, बहुत ही अच्छा मंदिर, बहुत ही भव्य मंदिर है। और यहाँ पर पंडित जी हमारी गाड़ी की पूजा करते हुए स्वास्तिक बनाते हुए, अब पंडित जी भी यहाँ के मंदिर में पुजारी हैं, तो बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूजा शुरू हो गई है, तो थोड़ी देरी है। ऐसे ही हर मंदिर में ले जाके हम गाड़ी की पूजा करवाएंगे अभी। तो नारियल छलन बोल, हाँ नारियल। अब हो रही है गणेश जी की पूजा, और गाड़ी में गणेश भगवान की ही मूर्ति यहाँ पर रखी है। प्रथम पूजा कोई भी कार्य करते हैं तो गणेश भगवान का करते हैं, तो सबसे गणेश भगवान की पूजा करने से कोई भी विघ्न बाधा नहीं पड़ती है, सारे विघ्न दूर हो जाते हैं, इसलिए प्रथम पूज्य गणेश भगवान की पूजा हो रही है यहाँ पे। ओम सुमित ऐसे ही धन तस्तो कबलो उगत गण का अवलम्ब हो जैसे को बिना सो बिना एक हो धूम के तुरुणाम जाए तो भाई चंद्र हो जानो दाल से का नामानी या बढ़े चिन याद भी विद्यारम में विवाही का प्रदेश से निवेश तथा सांग रामे संगड़े चाबा बिना तासन जाते नवली उठाराया श्री गणाधी पते तमाम। तो गाइज बहुत तेज़ धूप हो रही थी, तो यहाँ पे पंडित जी का घर है, तो वहीं पर हम थोड़ी देर बैठ गए थे, तो थोड़ी देर बातें करने लगे। यहाँ पे शनि मंदिर भी है, शनि का पेड़ भी है, तो यहाँ पर आकर के आप अपनी पूजा कर सकते हैं, अपनी मनोकामना जो भी आपकी है वो पूरी हो जाएगी इस मंदिर में आने से, चारों धामों की यात्रा यहाँ पर पूरी हो जाएगी। मेरा मकसद इस ब्लॉग में यही था कि मैं आपको ये मंदिर के दर्शन कराना चाहती थी। आई होप कि आपको मेरा ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।